हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। तो सबसे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर नए हैं। तो चलिए मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम काले चने की घूंगनी बनाएंगे। ये बहुत ही अमेजिंग तरीके की रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस घूंगनी का नाम है बैठा हुआ घूंगनी, क्योंकि सब कुछ कुकर में डाल के एक साथ हम बैठा देंगे। घुगनी आपने बहुत तरीके से बनाई होगी, लेकिन जिस तरीके से आज हम घुगनी बताने वाले हैं, इसे देखने के बाद झटपट बनाने का मन कर जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मजेदार रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो चने को अच्छे से रात में भिगो के रख लिया था। अब इसका पानी निकाल के हमने इस समय ले लिया है, इसका पानी हमने निकाल दिया है। तो चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने प्रेशर कुकर ले लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे कुकर लेने के बाद हमने यहाँ 5 से 6 बड़े बड़े साइज के प्याज को कट कर लिया है, ऐसे पतले पतले स्लाइस में। तो सबसे पहले हम प्याज को कुकर के नीचे सारे प्याज को इस तरह से देखिए बिछा देंगे, ऐसे बराबर से हमने बिछा दिया है। दूसरी बात, यहाँ पे जो चने लिए हैं, इस चने को भी हम कुकर में देखिए इस तरह से बिछा देंगे। इस बैठे हुए घुघरी को जरूर बनाइए, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। तो चने के बाद अब हम देख लीजिए क्या रखना है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10-15 लहसुन की कलियां, इसमें लहसुन की कलियां थोड़ी ज्यादा है। इसका पेस्ट हमने बना लिया है ग्राइंडर जार में पहले से ही। अब इस पेस्ट को हम इसमें डालेंगे। इसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, 2 बड़े चम्मच भर भर के हम इसमें तेल डाल देंगे। 1 चम्मच, देखिए यहाँ पे 2 चम्मच, मात्र 2 चम्मच हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है। यहाँ पर देखिए, हमने एक छोटे साइज का ग्लास लिया है, मात्र 1/2 ग्लास हमने इसमें पानी लिया है। 1/2 ग्लास पानी हम इसमें डाल देंगे। अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। इसके बाद हमें कुकर को गैस पे चढ़ाना है, कम से कम 5 से 6 सीटी आने तक का वेट करना है अच्छे से। यहाँ पे हम भूल गए थे गरम मसाला डालना। यहाँ पे देखिए, 1 चम्मच हमने लिया है भर के गरम मसाला, बहुत जरूरी है गरम मसाला इस घुगनी में। तो अब हम कुकर को बंद कर लेंगे। अब इसे हम गैस पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इंडक्शन पे हमने चढ़ा दिया है। अब इंडक्शन ऑन कर देंगे, कम से कम 6 से 7 सीटी आने तक का वेट करेंगे, तभी घुगनी अच्छे से पकेगी। इसका सीटी देखिए हमने निकाल लिया घुगनी का। घुगनी देखिए बन के बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी घुगनी बनी है। तो हम इसे अच्छे से चला लेंगे। ये देखिए बनी है ना, बिल्कुल हलवाइयों जैसी। या तो फिर शादियों में जाइए, नाश्ते में दिया जाता है हलवा और रोटी, वो वाली घुगनी बनी है। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी घुगनी बनी है। इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। बैठा हुआ घुगरी से बोलते हैं हम लोग। सब कुछ एक साथ डाल के बैठा दिया था, अब हम सर्व कर लेते हैं। देखिए, देख रही है ना कितनी टेस्टी घुगनी बनी है, बहुत ही अच्छी। बिल्कुल पानी भी नहीं है, सब कुछ एकदम मेजरमेंट एकदम सही रखा है हमने। तो काले चने की जब भी घुगनी खाने का मन हो, फटाफट से बिना टाइम कम टाइम में भी इसे फटाक से बैठाया जा सकता है। तो देखिए, तो ये देखिए घुगनी बन गई, बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छी घुगनी बनी है। और इसके साथ अगर कुलचा हो जाए घुगनी और कुलचा, तो और मजा आ जाए। तो यहाँ देखिए, दोनों रेसिपी हमने बनाई है, इसे घुगनी और कुलचे के साथ खाई, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब भी घुगनी बनाइए, आटे का कुलचा जरूर बनाइए। हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। लग रही है बहुत टेस्टी, और बहुत गर्म है ये। तो ये देखिए, चने की घुगनी बिल्कुल रेडी है। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। और चने की घुगनी इस बार ऐसे ही बनाइए,
बहुत ही झटपट बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये और बनाने में बहुत मजा आने वाला है, तो इस बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। तो मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, बाय बाय। ये काम होता है।